हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर मैं आपके साथ जल्दी से एक ही वीडियो रहेगा ये, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूँगी। मतलब इस टॉपिक का पार्ट वन रहेगा ये, और यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करेंगे ट्रिक्स नेशनल पार्क से रिलेटेड। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे किस तरीके से याद रखना है वही डिस्कस करूंगी। तो पहली जो स्टेट है आपकी वो है गुजरात। गुजरात में हमारे पास चार नेशनल पार्क्स हैं, ब्लैकबक, गिर फॉरेस्ट, मरीन गल्फ एंड वंसद नेशनल पार्क। सो जल्दी से याद करते हैं कि हमने गुजरात के नेशनल पार्क्स कैसे याद रखने हैं। देखो, गुजरात में सबसे पहले हम याद रखेंगे रात, ठीक है। सो दैट मीन्स रात क्या होती है, काली होती है। सो ब्लैकबक का हम ऐसे याद रख लेंगे। अब एक एक लड़का था जिसका नाम था वंश। वंश जो है काली रात में जाकर गिर जाता है और मर जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। गुजरात में ब्लैक बक है, रात है, ब्लैक होती है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। और वंसद नाम का लड़का था जो रात को निकलता है और उस फॉरेस्ट में गिर जाता है, उसे हम गिर याद रखेंगे। और गिर के वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क हम याद रखेंगे। तो इससे हमने चार नेशनल पार्क्स गुजरात के सबसे पहले याद रख लिए। आगे बढ़ते हैं झारखंड पे। तो झारखंड के हमने दो नेशनल पार्क्स याद रखने हैं, बेटला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको पता होगा, खंड जो है हम यूजुअली बोलते हैं चीनी को, ठीक है। और यहाँ पे डोगरे बोलते हैं, खंड मिठे लोग डोगरे, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को ना चीनी बहुत पसंद होती है, ठीक है। तो बेटा से हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं छोटा एक बेटा है और उसको खंड जो है बहुत पसंद है, और वो बाग में जाकर चोरी चोरी जो है चीनी खाता है, खंड खाता है, ठीक है। सो बेटला नेशनल पार्क एंड हजारीबाग नेशनल पार्क जो है हम इसे याद रख सकते हैं। और एक और इसका तरीका है, हजारीबाग से अगर आपको खंड का थोड़ा सा याद रखना है, तो खंड को देखो हजारों होती हैं, छोटी छोटी चीनी होती है, तुम उसको गिन नहीं सकते, ठीक है। हजारों में होती है, हजारों तरीके की जो है आप ऐसे खा सकते हो, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। कैसे भी आपको बस ये याद रखने हैं नेशनल पार्क, तो इसीलिए हम उसको इसी तरीके से याद कर रहे हैं। अगला है बिहार। तो बिहार में हमें पता है यूपी वाली साइड, अगर मैं यूपी में जाऊं तो उसी साइड पे अयोध्या और ये सब चीजें जो है, अयोध्या की जो एक बहुत ही अच्छी जो हमारी राजभूमि है वो उसी साइड पे सिचुएटेड है। और वाल्मीकि जो थे उन्होंने रामायण लिखी हुई थी, और ये आपका सेंट्रल पार्ट से ही लोकेटेड है। बट यहाँ पे हमें यूपी नहीं याद रखना है, हम बिहार याद रख सकते हैं वाल्मीकि से, और उन्होंने ही रामायण लिखी थी। और बिहार और यूपी उसी एरिया में पड़ा, तो ऐसे याद रख लेंगे। सो वाल्मीकि एक ही नेशनल पार्क है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है ना, बिहार नेशनल पार्क। अगला है ओडिशा। तो यहाँ पर दो नेशनल पार्क हमें याद रखने हैं। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि नंदन जो है सिम लेके, ठीक है, ओढ़ गया, सिम लेके उसने, नंदन जो है सिम लेके या फिर ओढ़कर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ओडिशा का याद रख सकते हैं। ओडिशा में नंदन कुमार या फिर नंदन कन्हैया जो है, ये सिम समझते हो, फोन वाली सिम, वो लेके ओढ़ के निकल गया, ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। उसके बाद है वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के काफी ज्यादा नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, इसको हम कैसे याद रखेंगे जल्दी से देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल में यार यूजुअली इतना हमें पता है, बंगाल के जो लोग होते हैं ना वो कैसे होते हैं, बंगाली का उनका एक एक्सेंट होता है ना, बॉबू मुशाए इस तरीके से, सो वैसा ही हम याद रखेंगे। तो वहां पर एक हम बोल सकते हैं एक गोरू करके, गोरू ऐसे नाम होते थे ना बंगाली, बाबू गोरू, ठीक है। सो एक गोरू करके एक बंदा है जिसने सुंदरबन से हम याद रख सकते हैं, सुंदर एक बक्सा खरीदा, ठीक है, बक्सा टाइगर से बक्सा समझते हो, बॉक्स, ठीक है। सो बॉक्स खरीदा, और या फिर गोरू बाबू जो थे उन्होंने एक सुंदर नया नियोरा से हम याद रखेंगे नया बक्सा खरीदा, ठीक है। और उसको गाते गाते सिंगाली से हम करेंगे, गाते गाते जल्दी में फरार हो गया, ठीक है। सो ऐसे हम याद रखेंगे। सो वेस्ट बंगाल से सबसे पहले हम नाम याद रखेंगे गोरुमोरा नेशनल पार्क, उन्होंने एक सुंदर बक्सा, सुंदर नया बक्सा, ठीक है। सो सुंदरवन नेशनल पार्क,
नया से न्योरा वैली नेशनल पार्क, बक्सा से बक्सा टाइगर रिजर्व और खरीदा, ठीक है, और उसको एक बड़े खुशी मिजाज तरीके से गाते गाते जो है उसको एक बक्सा खरीद के गाते गाते चलते हैं और वहां से जल्दी से फरार हो जाते हैं, परा हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं वेस्ट बंगाल के। सो कौन सा हो गया, सुंदरबन हो गया है, गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया है, बक्सा, नया बक्सा खरीदा तो न्योरा नेशनल पार्क हो गया है, और उसको गाते गाते जा रहे थे तो सिंगालीला नेशनल पार्क है, और देन जल्दी से निकल गए तो जल्दपारा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। सो ये थोड़े ज्यादा थे इसलिए हम याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका राजस्थान, ठीक है। सो राजस्थान का हम कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले राजस्थान का एक नेशनल पार्क तो हम याद रख सकते हैं क्योंकि राजस्थान से हमें डेजर्ट जो है सबसे पहले ध्यान में आता है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। अब होता क्या है कि इतनी गर्मी में इतनी धूप पड़ती है राजस्थान में, और इतनी धूप में इंसान का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है। सो काले से हम याद रख सकते हैं क्योल दियो नेशनल पार्क, ठीक है। डेजर्ट में इतनी धूप है, धूप से रंग क्या हो गया, काला हो गया, सो क्योल दियो। अब यहाँ पर एक बंदा था आबू नाम का, ठीक है। देखो ऐसा है कि अब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आबू धाबी, ठीक है, वो भी क्या है, डेजर्ट एरिया है सारा, तो यहां से हम ऐसे याद रख सकते हैं आबू, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क आबू। सो आबू नाम का एक बंदा है, ठीक है, और वो जो है डेजर्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान में लाई करता है, ठीक है, डेजर्ट से हम ये याद रख सकते हैं, और वहां पे जाके लोग क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर जब वो रात में गया और एकदम से क्या हो गया, एकदम से डर गया, डरा से हम याद रख सकते हैं, डर गया, और वो उसने डर के मारे अपना सर पकड़ लिया, और सर पकड़ के वो वहां से सर पकड़ते पकड़ते बोर हो गया, और यहां से हम याद रख सकते हैं रणथंभौर, ठीक है। सो राजस्थान से हमने क्या याद रखा, एक तो राजस्थान में डेजर्ट होता है तो डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट में धूप पड़ती है, धूप से हम याद रख सकते हैं कि क्या हो गया, हम काले हो जाते हैं धूप में, ठीक है, और आबू नाम का बंदा था जो धूप में गया है, काला हो गया है, डर गया, डर के मारे उसने अपना सर पकड़ लिया और वहां से वो पकड़ते पकड़ते बोर हो गया एकदम से, ठीक है। सो राजस्थान से हम इस तरीके से ये नेशनल पार्क याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। सो उत्तर प्रदेश आपको पता है यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन बहुत है, ठीक है, एंड मिल्क और दूध, मिल्क को हम हिंदी में दूध ही बोलते, तो यहाँ से बहुत ही ईजी है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, एक ही नेशनल पार्क जो हमें याद रखना है। अगला है हमारे पास केरला के नेशनल पार्क हैं, तो केरला का जो नेशनल पार्क हैं वो कुछ चार हैं, वो कैसे याद रखेंगे हम, तो यहाँ पर केरला सबसे पहले एरा एरा आ रहा है, तो यहाँ से एक नेशनल पार्क तो हमारा बहुत ही कॉमन निकल रहा है, एराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है, ठीक है। अब हम ऐसे रख सकते हैं, केरला में ईरा नाम की एक लड़की है जिसने मत्थे से लेके पैर तक जो है वो एकदम चुप रहती है, साइलेंट रहती है, ठीक है। सो मथिकेटन नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क, मत्थे से लेके पैर तक, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी डोगरी पंजाबी वर्ड्स हैं, आप इसको रिलेट करके चल सकते हो जो जेएनके के बच्चे हैं, ठीक है। सो ईरा करके एक लड़की है जो मत्थे से लेके पैर तक क्या रहती है, साइलेंट रहती है, चुप रहती है, और हम बोल सकते हैं वो कहाँ पे है, केरला में नेशनल पार्क है। सो इराविकुलम, मथिकेटन नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद आपके तीन स्टेट्स के और रह गए, तो उत्तराखंड में हम ऐसे याद रखेंगे, उत्तराखंड के दो ही नेशनल पार्क हैं यार, ज्यादा ट्रिक्स नहीं याद करेंगे, गंगोत्री एंड गोविंद, ठीक है। तो एक फीमेल का नाम है, एक मेल का नाम है, गोविंद जो है मेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो हम उसको ऐसे याद रखेंगे, और गंगोत्री एक फीमेल, तो उत्तराखंड में दोनों ही हमने याद रखने हैं जी, ठीक है, उत्तराखंड में G2 गंगोत्री एंड गोविंद, ओके। तमिलनाडु का देखते हैं, तमिलनाडु के कैसे याद रखने हैं, तो जिसके ज्यादा है ना नेशनल पार्क्स उसकी ट्रिक्स याद रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिक्स करोगे तो ये खुद भी भूल जाएगा। सो तमिलनाडु में हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मिल, तमिल में हम एक समझ सकते हैं कि एक मिल है, ठीक है, मिल समझ तो एक तरीके की फैक्ट्री है जहां पे चीजें बनती है, और वहां पे क्या बनती है, मिल में मलाई बनती है, ठीक है। सो मलाई बनती है, मलाई बनने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, सो पलानी हिल्स से हम पानी याद रखेंगे, मधुमलाई से हम मलाई याद रखेंगे, तमिल से हम मिल है जिसमें मलाई बनती है, मलाई बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है। अब वो पानी क्या हो जाता है, मुक जाता है, खत्म हो जाता है, सो मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है। तो तीन नेशनल पार्क तो हमने कर लिए तमिलनाडु से, मधुमलाई, ठीक है,
उसके लिए मलाई के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, सो पलानी हिल्स। और अब ये पानी क्या हो गया, खत्म हो गया, मुक गया, ठीक है, सो मुकुर्थी नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ से तीन और याद रखने हैं हमें, इसके हम तीन ऐसे याद रखेंगे, गुंडोई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और इंदिरा सेंचुरी। देखो इंदिरा सेंचुरी जो है हमें याद रखना ही रखना है, तमिलनाडु में इंदिरा सेंचुरी, इसको आप, इसको कोई ट्रिक ही नहीं है, इसको तुमने ऐसे याद रखना है, ठीक है, इंदिरा सेंचुरी। अब गल्फ ऑफ मन्नार जो नेशनल पार्क है, मन्नार, ये भी बहुत ही कॉमन है, बच्चों को याद रहता है, नहीं याद है तो किसी तरीके से हम बोल सकते हैं अपने मन से मलाई जो है, एक मिल खोली है जिसमें मलाई बना रहे हो और उसके लिए पानी चाहिए और पानी मुक गया, ठीक है। तो अब जब भी किसी, कोई भी इस तरीके का कोई मिल बना रहा है, कोई उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें पावर आ जाती है, इंसानों में जब पावर आती है ना, तो ना वो गुंडों की तरह रिएक्ट करते हैं कि हाँ अब हम ही हम हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम याद रख सकते हैं गुंडई नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक छोटा सा हमने ट्रिक याद किया तमिलनाडु का, मिल से हमने याद करना है, आपका मिल किसकी है, मलाई की मिल है, मलाई बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी कौन सा है, पलानी नेशनल पार्क है, अब वो पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, दो नाम हमने ऐसे याद रखने हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और इंदिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जब भी कोई इस तरीके की कोई फैक्ट्री बनाते हैं कुछ है, उसमें पावर आ जाती है, गुंडों की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है, सो गुंडोई नेशनल पार्क, ओके। फिर हिमाचल प्रदेश में दो ही नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और पिन वैली हिमाचल पार्क, ठीक है। सो हिमाचल में ग्रेट हिमालयन भी ऐसे याद रखना है, आप ऐसे बोल सकते हो हिमाचल में जाके आपने एक तरीके से इसको हम ऐसे याद रखेंगे दो का, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, दो हैं हिमाचल प्रदेश में। इन केस मेरे को इसका छोटा सा कोई ट्रिक मिल जाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपके साथ डिस्कस करूंगी याद रखने के लिए, बाकी इस दो को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमने कौन कौन से नेशनल पार्क से याद रखे हैं। गुजरात में हमने रात से याद किया है, रात क्या होती है, काली होती है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। रात में वंसद नाम का एक लड़का था, वो क्या हो गया, जा रहा था और गिर गया उस फॉरेस्ट में और गिर के वो मर गया। सो ब्लैक बक फॉरेस्ट पार्क, गिर फॉरेस्ट पार्क, मरीन फॉरेस्ट पार्क एंड वंसद, ठीक है, रात, वंसद, गिर गया, मर गया एंड ब्लैक, ठीक है। झारखंड में हमने खंड से याद रखा, खंड जो है अक्सर मम्मी अपने बेटों को बहुत चीनी खिलाती है, खंड खिलाती है, ठीक है ना, सो बेटला नेशनल पार्क और क्या है, बाग में जाकर जो है खंड खिलाई जाती है, सो बेटला और हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है। ओडिशा से हमने देखा था कि नंदन जो है सिम लेक के उसको ओढ़ कर निकल गया, ठीक है, सो नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क एंड सिमली पार्क, सिंपल सा जो है याद रखना है, छोटा सा है, सिंपल, ठीक है। फिर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि बंगाली लोग कैसे होते हैं, बाबू मशाई, ठीक है, उस तरीके से बाबू करके हम बुलाते हैं गोरे लोगों को होते हैं, सो गोरुमारा, ठीक है, गोरु करके एक बंदा था जिसने क्या किया, एक सुंदर बक्सा खरीदा, तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, और नया बक्सा खरीदा था तो न्योरा वैली नेशनल पार्क, और जल्दी से गाते गाते वो बक्सा लेके निकल गया, सो जल्द पारा सिंगालीला नेशनल पार्क, सिंह से गाते गाते और जल्द पारा से नेशनल पार्क, जल्दी जल्दी, ठीक है। राजस्थान का हमने देखा कि राजस्थान से सबसे पहले हमने याद रखना है डेजर्ट, राजस्थान में क्या होता है, डेजर्ट होता है, डेजर्ट में क्या होता है, धूप पड़ती है, धूप से हम क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो केओल दियो नेशनल पार्क, ठीक है। अब आबू नाम का बंदा था जो कि डेजर्ट में निकलता है, काला हो जाता है और डर के मारे वो क्या है, अपना सर पकड़ के, और फिर उसके बाद वो बोर हो जाता है यार सर पकड़ पकड़ के, तो यहां से हमने दराहा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, काला से कालदियो नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आबू से हमने वो याद रखा, और रणथंभौर, बोर से हमने रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सरिस्का, ठीक है, सर पकड़ लिया जब उसने, बोर हो गया तो सरिस्का नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया मिल्क प्रोड्यूसिंग एक स्टेट है, तो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क हमने याद रखा है। केरला में हमने इरा, इरा वर्ड पकड़ा है, और इर, इरा से जो हमने चीजें याद रखी, इराविकुलम एक एक लड़की है जो कि माथिकेटन, मत्थे से लेके पैर तक, पेरियार नेशनल पार्क साइलेंट है, ठीक है, मत्थे से लेके पैर तक साइलेंट है, चुप रहती है वो लड़की। उसके बाद उत्तराखंड में दो पड़े, हमने क्या बोला, एक मेल है एक फीमेल है, तो गंगोत्री एंड गोविंद नेशनल पार्क। तमिलनाडु में मिल से हमने याद रखा है, एक मिल है जो कि मलाई बनाती है, सो मिल एंड मधुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है।
और यहाँ पर जो मलाई बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी क्या हो गया, मुक गया, सो मुकुर्थी नेशनल पार्क और इंदिरा सेंचुरी तो हमें याद रखना ही रखना है। और अपने मन से ये अपना काम, मलाई बनाने वाला काम करता है एंड उसके बाद क्या हो जाता है, एकदम से गुंडों की तरह रिएक्ट करते हैं, सो गुंडोई नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद हिमाचल के हमने दो पढ़े, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एंड पिन वैली नेशनल पार्क। तो आई होप ये जो एक वीडियो है पार्ट वन लेकर आए हैं हम नेशनल पार्क का, ये आपको इतना याद होगी हो, पार्ट टू भी लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।